नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। मुजफ्फरपुर से खबर सामने आ रही है जहां पर कल शाम से दो किशोरी लापता थी और आज उनमें से एक का शव पोखर से बरामद किया गया है। वहीं दूसरी की तलाश अभी भी जारी है। जिस तरीके से शव बरामद हुआ है, गांव में सनसनी फैल गई है और गांव वाले की जो भीड़ है वो भी जमा हो गई है। इस बात की जानकारी जो है मनियारी थाना के पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ की जुटान किस तरीके से यहां पर बनी हुई है और जो मृतक है उसकी पहचान की जा रही है। पहचान करने के बाद पता चला है कि मृतक जो है वो थाना क्षेत्र के पकाही पंचायत निवासी आनंदी महतो की बेटी है, जिसकी उम्र जो 17 साल है और उसका नाम अंशु है। स्थानीय लोगों की माने तो अंशु के साथ पड़ोस के किशोरी आरती कुमारी, जिसकी उम्र 16 साल है, वो भी अभी लापता है। उसकी तलाश अभी जारी है और उसका शव अभी तक नहीं मिला है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से पोखर में शव खोजने का प्रयास भी लगा हुआ है। किशोरी के शव मिलने के बाद इस तरीके से लोगों के बीच चर्चाएं बढ़ने लगी है और वहीं चिंता भी सता रही है कि आखिर दूसरी जो भी लड़की लापता हुई है आरती, वो आखिर कहाँ है, उसका शव कहीं ना बरामद हो जाए। इसको लेकर लोगों के मन में भी डर बना हुआ है। इसी के साथ वहां के जितने भी स्थानीय लोग थे उन्होंने मनियारी थाना क्षेत्र के पुलिस को इस बात की जानकारी दी। वहां पर पुलिस भी पहुंची है और पुलिस खोजबीन करने के बाद बताया जा रहा है कि गोताखोरों से और जो दूसरी बच्ची है उसकी तलाश अभी जारी है। इस मामले पर मनियारी SI उमाकांत सिंह का क्या कहना है, आप जरा सुनिए। स्थानीय मुखिया द्वारा सूचना मिली कि एक बच्ची जो है पानी में से डूब के मर गई है। कहाँ के मुखिया है? मुखिया स्थानीय तो जहाँ के हैं वहाँ के, ग्राम पकाही की। तो वो सूचना पर आए तो जांच करने पर पता चला कि एक डेड बॉडी है और अंशु उस डेड बॉडी का नाम है अंशु कुमारी, उम्र करीब 17 वर्ष, पिता श्री आनंदी महतो, ग्राम पकाही, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर जी। एक और शव की बरामदगी डूबा होने की मामला सामने आया, सूचना मिली है, उसका जो है छानबीन खोज जारी है, मिलने पर स्थिति का पता चलेगा। क्या कोई गोताखोर वगैरह की आने की सूचना? वो स्थानीय लोगों द्वारा सहयोग किया जा रहा है, जाल लगाया जा रहा है, उसे खोजने का प्रयास किया जा रहा है। गोताखोर को भी सूचना दी गई है, वो भी आ रहे हैं जी। कोई हत्या वगैरह की आशंका भी जाता है? ऐसा कुछ नहीं, डूबने से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। तो आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि अभी पूरे मामले की छानबीन जो है वो की जा रही है। शव जो बरामद हुआ है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी बच्ची जो है उसकी तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल इन्होंने बताया है कि डूबने से ही इस बच्ची की जो है वो मृत्यु हुई है, ये प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR। मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।